नमस्कार, आप देख रहे हैं तहलका हरियाणा। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दें, ताकि आने वाली हर एक न्यूज़ का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो आइए चलते हैं रेवाड़ी में, जहां पर स्वास्थ्य विभाग के डीजी डॉक्टर रजोरा रेवाड़ी पहुंचे। यहां उन्होंने सीएमओ कार्यालय में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ कोविड-19 के संदर्भ में समीक्षा की। स्वास्थ्य विभाग के निदेशक ने रेवाड़ी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि कोरोना वैक्सीन के साथ टेस्टिंग अभियान भी जारी रखें। डीजी हेल्थ डॉक्टर बीके रजोरा ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि कोरोना वैक्सीन का अभियान लगातार जारी है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के बाद फ्रंट लाइनर्स और उसके बाद आम पब्लिक को कोरोना के टीके लगाने का अभियान तेजी से चल रहा है। उन्होंने बताया कि 15 मार्च को स्पेशल ड्राइव चलाया जाएगा, जिसके तहत गांव-गांव और शहर-शहर कोरोना वैक्सीन के लिए कैंप लगाए जाएंगे, जिनमें 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों को कोरोना वैक्सीन के टीके लगाए जाएंगे। एक दिन में 1,00,000 बुजुर्गों को टीके लगाने का लक्ष्य रखा गया है। रेवाड़ी में 4,000 के करीब सीनियर सिटीजन को कोरोना की डोज दी जाएगी। लोग समय भी आकर कोरोना के वैक्सीन लगवा सकते हैं। इसके लिए सभी सरकारी अस्पतालों में यह सुविधा उपलब्ध कराई गई है। प्राइवेट अस्पतालों में भी ₹250 प्रति वैक्सीन के हिसाब से टीके लगवा सकते हैं। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है, इसलिए अधिकारी मास्क और सैनिटाइजर के साथ कोरोना नियमों की पालना सुनिश्चित करें। इसके लिए IMA और दूसरी स्वास्थ्य संस्थाओं का भी सहयोग ले सकते हैं। इस दौरान डॉक्टर बीके रजोरा ने कोविड-19 के लिए बैठक लेने के बाद कोविड वैक्सीन सेंटरों का निरीक्षण किया और अधिकारियों की को जरूरी दिशा निर्देश दिए। यहां हम आपको बता दें कि वैश्विक महामारी कोरोना को आए 1 साल हो गया है। पिछले साल मार्च महीने में कोरोना ने प्रदेश में दस्तक दी थी। सरकार में प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के भरपूर प्रयासों के बाद बार तो कोरोना विजय प्राप्त कर ली गई थी, लेकिन अब कोरोना ने दोबारा दस्तक देनी शुरू कर दी है। इसका कारण यह है कि वैक्सीन आने के बाद हम कोरोना को हल्के में लेने लगे हैं। लोगों की यह लापरवाही हम सबको भारी पड़ने लगी है। पूरे प्रदेश में कोरोना के नए केस मिलने शुरू हो गए हैं। रेवाड़ी में भी कोरोना के 5 नए सक्रिय केस मिल चुके हैं। हालांकि यह आंकड़ा और जिले के मुकाबले काफ़ी कम है, लेकिन यह संकेत अच्छे नहीं है कि पिछले साल कोरोना के 11,000 केस मिल चुके थे, जिनमें करीब 75 लोग कोरोना से अपनी जान भी गंवा चुके थे। इस मौके पर हमारे संवाददाता राजेश शर्मा ने डॉक्टर रजोरा से बात की। तो आइए चलते हैं रेवाड़ी संवाददाता राजेश शर्मा के पास। तो मैं पंचकुला से आया हूँ, ड्राइव चला रहे हैं, जिसमें हम जो 60+ हैं उनका टीकाकरण करेंगे, प्लस साथ में जो 45+ हैं और जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं, जैसे डायबिटीज है, कैंसर है, या डायलिसिस के ऊपर है, या उनका कोई भी क्रॉनिक डिजीज अगर उनको साथ है, तो उनका टीकाकरण करेंगे। पूरे हरियाणा में लक्ष्य जो है वो 1,00,000 का रखा गया है कि 15 तारीख को हम 1,00,000 का लक्ष्य प्राप्त करें, और रेवाड़ी के लिए जो लक्ष्य है वह 4,000 का है। तो इस 4,000 के लक्ष्य को पूरा करने के लिए मैंने सिविल सर्जन डॉक्टर सुशील माई, डिप्टी सिविल सर्जन DIO डॉक्टर अशोक, डॉक्टर सर्वजीत, डॉक्टर जोगेंद्र, सभी उसके साथ मीटिंग आज की है, और मीटिंग के अंदर क्या प्लान इन्होंने किया है परसों के लिए, और उस प्लान के अंदर कितने कैंप्स लगाएंगे, कहां कहां पर कैंप्स लगाएंगे, मोटिवेशन क्या किया जा रहा है, लोगों को जागरूक करने के लिए क्या IEC एक्टिविटी की है, पंचायत मेंबर्स को इन्वॉल्व किया गया है, सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट है उसको इन्वॉल्व किया गया है, उनसे लिस्ट ली गई है उनके 60+ के जो इनकी पेंशनर्स हैं उनकी, ताकि उनको हम वैक्सीनेशन दे सकें, और जो भी वैक्सीनेशन साइट है उस पर क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, तो इसका पूरा जायजा लिया है। जो भी इन्होंने प्लान बनाया है मैं उससे सेटिस्फाइड हूँ, और होप करते हैं, ऐसी आशा करते हैं कि हम जो चार हमारा लक्ष्य है रेवाड़ी का उसको पूरा कर पाएंगे। हमारा एडमिनिस्ट्रेशन से पूरा इस कार्यक्रम के अंदर पूरा सहयोग है, और वैक्सीन भी हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है। केसेस अभी थोड़े से बढ़े हैं, ठीक है, वो केसेस कम तभी हो सकते हैं हमारे कि जब हम इनकी अपना पूरा जो अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको इनकी पूरे से निभाएं, जैसे मास्क लगाना है, ठीक है, सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, हैंड सैनिटाइजर करना है, तो इन चीज़ों को रखें, प्लस साथ में जैसे ही हम वैक्सीनेशन कराएंगे तो हमारी जो इम्यूनिटी है, जो हर्ड इम्यूनिटी है, वो डेवलप होगी और केसेज आगे आने वाले टाइम में कम हो जाएंगे। टेस्टिंग प्रॉपर हो पा रही है, टेस्टिंग बहुत बढ़ाने के लिए कहा गया है, टेस्टिंग ज़्यादा बढ़ेगी तो केसेस तो आएंगे ना। देखो वैक्सीन जो है प्राइवेट जो इंस्टीट्यूट 35 जैसे हमने कैंप्स ऑर्गेनाइज किया, तो इसमें से 11 हॉस्पिटल जो है वो प्राइवेट के, तो प्राइवेट भी वैक्सीन दी गई है, लेकिन प्राइवेट के अंदर चार्जेस ₹250 हैं, और जो सरकारी संस्था के अंदर है वह फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन लगाई जाएगी।